हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने अमेजोन से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय किए, रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं यहाँ पर कंसीलर का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको मैं पहले से ही यूज़ करती हूँ, इसलिए हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने स्विस ब्यूटी के दो कंसीलर बाय किए हैं, दो शेड मैंने इसके बाय किए हैं। और तो आप देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से कार्टन में मुझे रिसीव हुए हैं। तो फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो मैं शेयर करूंगी, शेड नंबर होगा 4 मीडियम बेज। और मैंने इसको 2 से 3 बार इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है, और इनको मैं पहले से ही यूज़ करती हूँ। तो इसके 2 शेड मैंने बाय किए हैं, और मेरा जो एग्जैक्ट शेड है वो है मेरा 1, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वाला लाइट शेड होगा थोड़ा सा, तो मेरा स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये वाला थोड़ा सा लाइट लगा। क्योंकि जब मैंने इसको बाय किया था तो मुझे लग रहा था कि ये शेड नंबर मेरे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है, बट ये वाला मुझे लाइट लगा मेरी स्किन टोन के हिसाब से। तो मैंने इसका दूसरा शेड बाय किया है। इसको मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर इस तरीके का आपके पास पहले से ही अगर कोई लाइट शेड आ जाता है, तो उसमें आप डार्क वाले फाउंडेशन को हल्का सा टच करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको भी बाय कर लिया था। और आप देख सकते हैं मेरे स्किन टोन से ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है। आप इस तरीके से टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप इसको मार्केट से बाय करते हैं, बट मैंने इसको ऑनलाइन बाय किया है इसीलिए मुझे लाइट शेड रिसीव हुआ है। कि क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। इस पर भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके का इसका रिज़ल्ट होगा। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट है, क्योंकि इसको मैं पहले से ही यूज़ करती हूँ। जो मैंने पहले यूज़ कर रखे हैं इस स्विस ब्यूटी का, उसको मैंने मार्केट से बाय किया था। तो फर्स्ट मैंने जो ये बाय किया है, इसका शेड नंबर स्क्रीन पे मैं शो कर दूँगी, ताकि आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया 04 शेड नंबर, ये है शेड नंबर 1 सेंट। और इसका रिव्यू आपके साथ, तो इसका शेड आप देख सकते हैं, ये वाला शेड मेरी स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैच कर रहा है। तो आपको वीडियो में भी एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे मेरे स्किन टोन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट हो रहा है। और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसको मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो इस टाइम मैंने इसी को अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप भी अफोर्डेबल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीलर बाय करना चाहते हैं, तो आप स्विस ब्यूटी का कंसीलर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और इसको मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो इन दोनों के शेड मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी, तो आप इस शेड आपको शूट करता है जो भी यूज़ करते हैं, तो उनमें दोनों में से आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन टोन बहुत ही ज़्यादा फेयर कलर है, तो आप इसको लाइट वाले शेड को बाय करें। अगर आपकी स्किन टोन मेरी जैसी है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं है, तो आप इसको 1 शेड नंबर 1 बाम शेड को यूज़ कर सकते बाय कर सकते हैं। तो आज मैंने ये दो अमेजोन से स्विस ब्यूटी के कंसीलर बाय किए थे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।